आणि त्यात हे बाबा ती 900 वाजली बघून हा एक कॅमेरा घेऊन उभे तुझा फक्त काय करत नसती पकडलं ना गेलं वेलकम टू दिस चैनल एवरीवन आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल और आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल पे। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हमारे नए बूट कैंप से और मेरी जो बाइक है फिलहाल उस पर हम लोग जा रहे हैं सिद्धटेक जो कि सातारा से थोड़ा सा 195 किलोमीटर यहाँ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह सुबह उठाऊँ और ठंडे पानी से नहाया हूँ, लगभग 7-8 डिग्री सेल्सियस का पानी रहेगा। अम्मा बहन हो गई थी जैसे कपड़े पहने आंग मतलब बदन पोछा था अच्छा लगा था। अभी निकल रहे मैं और लसपटा एज ऑलवेज 7 बजे आने वाला था लेकिन अभी तक आया नहीं है तो वेट कर रहा हूँ मैं उसी का, उसको लेते और फिर निकलते। तो सबसे लेट आए ये दल्ला जब तू फोन नहीं उठा था तो राइड कैंसिल करते। राइड कैंसिल करना तो अलग बात है लेकिन तू तो लेट आया ना। लेट आया पर राइड कैंसिल हुई क्या? नहीं ना, 7 का 8 बजे अभी जाने को टाइम कितना लगेगा मानेगा? 12 बजेंगे मतलब खून सर पे रहेगा 12 तो। अरे सुबह ठंडी इतनी थी ना और ये बस अरे तेज सोड आंगोल। तो दोस्तों फाइनली हम लोग तुझा आवाज ना इतने। तो दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पे रोड पे लग चुके हैं जो बहुत ही रुप्पा बिल्ला रोड है और यहाँ पे बहुत सारे राइडर थे लेकिन हम लोग उनके साथ नहीं चलेंगे। अपना जल्दी जल्दी भागने का अपने को क्योंकि तो अगर एक बार दोपहर हो गई ना तो फिर लंका लग जाएगी। मैं डबल अपना अगला वाला वाइजर ऑन कर रहा हूँ क्योंकि धूप आ रहा है सीधा आँखों पर है ना। तो अभी मैं और लस्सी अरे थामना विकर है। हाँ वो देखो मैं और लस्सी दोनों अभी निकल पड़े। अरे मैं वो राइडर्स के साथ जरा ऐसा फील ले रहा था। हवा दीवाना है दीवाना। वैसे अभी हम लोग मेरे गाड़ी में पेट्रोल है नहीं, मैं टैंक फुल करवाऊँगा अपने क्या बोलते हैं क्या बोलते रे लोनावड़ा हाँ लोनावड़ा पे टैंक फुल करूँगा और वहाँ से देखते आगे। अभी फ़िलहाल तो हम लोग मज़े ले रहे तो करते बात, रुको थोड़ी देर बाद में मिलता हूँ। दोस्तों राइडर्स इतने हैं ना बोलूँ उतना कम है और ये R15 है लेकिन उसको पूरा R1 बनाने की कोशिश करी गई है और एक्रोपॉविक विक्रोपॉविक लगाया है, आवाज़ विवाज़ ज़बरदस्त मार रही है और उसके शूज़ भी जरा से रही है। ऐसी इच्छा हो रही है कि शूज़ ले लूँ, मेरे को शूज़ चाहिए। लस्सी वाला शूज़ पाइजे जाता मतलब ऐसे शूज़ पाइजे लस्सी अपने शूज़ बघ आईची काय बोलतो असू दे ना जड तर जड। अरे अरे पण पैसा वसूल ना लुक बरं कसला येतोय सेक्सी। अरे R15 ती आपल्या गाड्या कोलतील तिला 100 टाईम लुकता आलाय येतल जरा फस्ट मारू। एक तर थंडी वाजते मरणाची। अरे बोलता आलो रे आपण खोपोलीला लमसम। आणि त्यात हे बाबा ती 900 वाजली बघून दोस्तो 900 गिफ्ट करो। भाय काय गाड्या चालल्यात सेक्सी आणि जिथं वर लोणावळ्यात असतील त्या वेगळ्या ना काय
हा मग तेच बोलतोय ना, लोणावळ्यात तर काय असतील अजून डेंजर विषय रे. माझा गोप्रो पण थंड पडला असं मला वाटत नाही, बॅटरी एवढी हे होईल ट्रेन. अरे आपण नुसते मराठीत बोलत सुटलोय पण ठीक आहे, काय विषय नाही. दोस्तो ऍडजस्ट कर लो, हिंदी मराठी व्लॉग आहे और जिनको मराठी नाही समजती समज जाओगे. हल्लो 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 हल्लो. अरे तिकडून कुठून टाकतोय मेंटला हे तो व बनी बनी बना बनी. वा मला हे आवडत नाही का हे हेल्मेटला लावणं वरती. हा ना हे गे लोकांची लक्षणं वाटतात मला, गे लोकांची लक्षणं. अरे म्हटलं सांगतोय काय मेंटला, म्हटलं सांगतोय काय ती सेक्सी वाटते. ती जर आरवण असती ना लस्सी, काय बोलतोय ती आरवण असती तर आतापर्यंत आपल्यात नसती भावा. गेला असता हुंग करून. अरे बाबा तुम्हाला फक्त ओव्हरटेक करू का नाही सांगत जा, मी ओव्हरटेक करत होतो आत्ता. तू कुठं पुढं पळतोय भिक्कार्या, जरा थांबला होता का. अरे अरे हा कती घाण वाजतोय रे हा R15 वाला, शी इरिटेटिंग आहे R15 वाला. दुसरा R15 सायलेंट चाललाय रे, नाही तोच वाजतोय फुकट. इथं गरम वाटतंय, मस्त वाटतंय. हा ना हायला जीवा जीवाला जीव जीवाला भाव. अरे माझी अख्खी बॉडी ऍक्टिव्ह झाली तुझ्या हाताचं काय सांगतोय. अरे मी हाफ स्लीव्ह घातलाय ना. हे बाबा ते सायकलिस्ट गेलाय कसला माहितीये का आता खाली. बरं वाटतंय, मला वाटलं वरती जास्त थंडी असेल. कसली वाटते हे, मजा येते रे सकाळी सकाळी. अरे ही कायच नाव शिवन भाऊ घेणार होती ती, नाही नाव विसरलो मी. तर X100 कुठली. हा वर्सेस वर्सेस 600 नव्हती पण ती बघितली नाही दोस्तो. क्या तो भी नजारा आहे और मजा आ रहा है यार राईड केली. आता इथं किती पण लीन सांग ना मारायला. वन वे ला लीन मारलं भीती नाही वाटत रे, टू वे ला फाटते. अरे हा रोड नाही, हा HFF ची लेवल आहे. हे डांबरीकरण चाललं रे. म्हणजे भा हे कॅमेरा घेऊन उभे आहेत, तू जा फक्त काय करत मस्ती, पकडलात लगेच. दोस्तो नाही नाही बोलते बोलते. हा पेट्रोल पंपला थांबतो, पेट्रोल पंपला तर सेक्सी नजारा आहे. दोस्तो नाही नाही बोलते बोलते हम लोग लोणावळा. अरे थांबना शूट करतो भिक्कार्या. दोस्तो नाही नाही बोलते बोलते हम लोग लोणावळा पोहोच गए. बाबा इथं गाड्या बघा नुसत्या, मला हवा ढकलते इकडं तिकडं. काय रे हे बाबा, माझी ड्रीम बाईक होती CVR 650R.
R3 पण आहेत. R3 चा ठीक आहे, बहुत सेक्सी गाड्या आहेत रे. 1000 ला ही कुठली गेली? 6R. वा मुद्दाम करतात ही लोक मुद्दाम. हे बघ हे बघ हे बघ, ही R3 आहे, ही दोन्ही R3 आहेत. यांच्या आईची, अरे मी कसला कट मारला आता बघशील तर तुझी फाटल. मी रेकॉर्ड मी केले आता रेकॉर्ड. दोस्तों पेट्रोल की कमती नहीं है, रास पेट्रोल भरा है, फुल टाकी माका जात. अभी डायरेक्ट उधर रुकेंगे, रिटर्न आते समय भरेंगे. चले एक बार टंकी फुल कर ली ना तो अभी जो कॉन्फिडेंस आएगा ना गाड़ी चलाने को, रुम्मा रुम्मा कॉन्फिडेंस आएगा, रुम्मा रुम्मा. अभी रुकने का ही नहीं. दोस्तों मुंबई के राइडर ख़त्म हो गए लोनावड़ा में ही. अभी जो लोनावड़ा आए थे वो जो रिटर्न जा रहे हैं उसमें से एक आध दूसरा पावना वो दिख जाता है, नहीं तो राइडर ख़त्म हो गए. अभी हमको शायद आगे मिलेंगे राइडर, ऐसा लस्सी बोल रहे. और ये देखो ये भाई साहब के इधर हेलमेट डालने की प्रथा ही नहीं है बिल्कुल भी. हेलमेट का ना गलत है लोग. बहुत दूर आ गए रे, नहीं नहीं बोलते बोलते पुणे पहुंच गए. पहुंच जाएंगे अपन थोड़ी देर में. तो चलो दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ से अभी स्ट्रेट जाएंगे तो पुणे जाएंगे. यहाँ से जाएंगे तो भी पुणे ही जाएंगे, लेकिन ये पिंपरी चिंचोड़ जाएंगे. अब सीधे 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 यहाँ से जो डाउन में जो भगाएंगे गाड़ी, लेकिन रास्ता अच्छा है क्या नहीं अभी मालूम नहीं. लास्ट टाइम आया था तो थोड़ा सा खड़बड़ी था. अरे तो खड़बड़ी सा रास्ता है ना, तो ओखर ले लो ते पूर्ण है पुढ़ेपर्यंत. दोस्तों अभी हम लोग पुणे के बीचों बीच, मतलब बीचों बीच नहीं कातरच जा रहे फिलहाल. और ट्रैफिक इतना है कि इरिटेशन हो रही है थोड़ी सी, बट बेरेबल है, बेरेबल है. मुंबई के ट्रैफिक जितना नहीं है बट है, पर ट्रैफिक का भी कुछ नहीं. लेकिन इधर के राइडर है ना, कार वाले बोलो बाइक वाले बोलो, जगह नहीं देते जाने के लिए बिल्कुल भी. भाई तू नहीं पहले मैं ही जाऊँगा ऐसा विषय. ठीक है अभी क्या कर सकते, उनका है भाई सिटी ना, क्या चलेगा. कोई ना, अभी कातरज पहुंचेंगे, नवले ब्रिज क्रॉस करेंगे और फिर जो जाएंगे ना भाई बूम. दोस्तों नवले ब्रिज आ गए वापस यादा ताज़े करने. और ये लास्ट टाइम मेरे को इस ब्रिज का याद नहीं था नाम, लेकिन इस बार याद है नवले ब्रिज. और अभी जो ट्रैफिक कुछ भी नहीं लगेगी. देख लस्सी मैंने बोला ना नवले ब्रिज चढ़ेगा ना ट्रैफिक लगे ही नहीं, तो अभी ट्रैफिक लगेगी नहीं. अभी आराम से कितना बिजी स्पीड से तू भगा सकता है इधर, क्योंकि ये रोड जाता है डायरेक्ट सातारा. हाँ ब्रिज है ना, हाँ ब्रिज, हाँ ब्रिज सोडला ना कि कोरोना टाइम मध्ये त्याच्या पुढे एक हे होतं, टेंट बिंट बांधले होते. ज्यांना पण गावाला जायचं असेल ना तिकडे टेस्ट करायची पहिली तुम्हाला कोविड आहे का नाही, तर तुम्ही गावाला जायचं. तुम्हाला थोडं जरी पॉझिटिव्ह लागलं ना रिटर्न घरी. हां डेंजर होतं भाई, तर त्या टाइमिंगला असं वाटत होतं की हां हां असं वाटत होतं. काय माहिती का इथं लस्सी ते झोंबीत नसतात का चेक करतात की तू इन्फेक्टेड आहे का नाही. सेम सेम फीलिंग. लेट्स गो. काय वाटतोय ब, बाजूलाच आहे मी तुझ्या. क्या तो भी लग रहा है भाई नुस्ता राडा. फोर सिलेंडर है, एक फोर सिलेंडर. दोस्तों मूतने के लिए रुका है और टाइम पास भेंगी दुनिया भर का.
बंदा गाड़ी देखने के लिए रुका है। फूड कोर्ट में आए हैं, अभी देखते क्या मिलता है। क्या नहीं पीने का है, पहले पीने का है। जूस रहेगा ना तो बेस्टी हो जाएगा काम। जूस पियेंगे काय के लिए? सर कुछ ऐसा हुआ है अभी, और हम लोग फूड कोर्ट में रुके, बालों की धज्जियां उड़ चुकी है पूरा। देखते अभी कुछ खाने के लिए। हाँ दोन बॉटल घेतो पाण्या चा, याच्यामध्ये आपण एका याच्यात इलेक्ट्रॉन टाकू, एक साधा ढोल ठेवशील कुठे? मी ठेवतो, मी काहीतरी करतोय। ठीक आहे सर। देखते वो कुछ पानी की बॉटल का जुगाड़ करा रहा है, उसमें अभी इलेक्ट्रॉन डालेंगे प्रॉपर, वो बूस्टर करके पियेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई ने ताड़ी लाई है अभी, मज्जा ही मज्जा अभी जो पावर आएगी ना, अभी जो पावर आएगी ना ताड़ी से, अभी तो मजा ही आएगा। ये नॉर्मल पानी है, तो ये ताड़ी वाला पानी है, ये इसमें ताड़ी थी वो मिला ही अभी उसमें, अभी राड़ा होगा डाले। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे जूस पीने के लिए रुके थे, लेकिन भाई ने हमको देखा और भाई के शॉप में उसने हमको बुलाया कि और उधर जो जूस ऑर्डर दिया है वो इधर आ रहा है अभी, तो इधर जूस पियेंगे और आगे जाएंगे। भाई का नाम मालूम नहीं, मेरा नाम सचिन है, सचिन मेत्रे, उरली कांचन प्रॉपर मेरा शॉप है। अच्छा सर का इधर वो शॉप है, कुठले धागा कुठले? उरली कांचे में उनका शॉप है, विजिट करना जरूर और लाइक करो वीडियो को। हाँ लाइक करना वीडियो को, अभी लाइव चल रहा रहेगा ब्रॉडकास्ट, मतलब सॉरी प्रीमियर पे, तो लाइक करना। ठीक है मिलता हूँ, जूस पी के मिलता हूँ। दोस्तों ये रोड तुमको थोड़ा सा जाना पहचाना लगता रहेगा, थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले ये रोड ऐसा नहीं था, जब अपन लास्ट टाइम आए थे तब पूरा खच्चीकरण हो गया था रोड का, और अभी पूरा डामरीकरण हुआ है, मस्त लग रहा है। और सामने कुछ तो भी पालकी चल रही है, सबरन पालकी चल ले रहे। तो ये रोड तो आपको पता ही होगा, लास्ट टाइम हम लोग ने जो ये रोड किया था, पार किया था, और ये देखो वापस का इतने डोंगर का इतनी झाड़ सगड़े एक नंबर। ये रोड किंग है रे, रोड इसका नाद ही नहीं है रे। लस्सी को लाया है अभी, लस्सी फुल पागल हो जाएगा देख। दोस्तों एक अंदर के रोड के हम लोग आए तो है, ये लसपटा ने लाया तो है अंदर के रोड पे, अभी देखते बाहर निकलने का रोड किधर है। भाई तूने ही लाया है अंदर, दादा काय काय मत कर। चलो दोस्तों वापस, बैटरी चार्ज हो गई है अभी, वो जो मैंने हाईवे वो लिया नहीं है, थोड़ा भयंकर है ये लसपटा, टाइम पास करवा रहा है और बहुत भयंकर। और सामने ना आना आना, तेरे को एक चीज़ दिखा था, वो छोटे छोटे बच्चे गए ना बाइक पे, आया क्या तू? हाँ छोटे छोटे बच्चे गए ना बाइक पे, वो फुल पागल हो गए देख के, वो फुल ऐसा हाय बाय कर रहे। अभी वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो नहीं मालूम, लेकिन देखते अगर मिले तो सही है। दोस्तों तो अभी सीन ऐसा हुआ कि वो जो जो स्कूटी पे जा रहे ना लड़के, वो लोग चैनल का नाम पूछे, अभी वो सर्च करेंगे शायद। आला करे तू ये ना मक्का पढ़ो ना, कुटे तू कुटे आसू है बेटा, अरे कुटे तू आसू, लेफ्ट डाल आसू। दोस्तों मैंने इसको पूछा अभी कि अगर मैंने गाड़ी ठोकी तो मेरा कॉल क्या रहेगा, तो मैंने बोला लस्सी, अब सॉरी इसने बोला लस्सी, मैंने बोला नहीं लस्सी नहीं, लस्सी गाड़ी ठोक ली ऐसा कॉल रहेगा, तो ये बोलता है नहीं वैसा भी नहीं रहेगा। फिर इसने गाली दी भाई, छी गंदा गंदा है भाई, छी घटिया इंसान, कुछ भी बोलो मज़ा तो आ रहा है। लस्सी और मेरा
कनेक्शन टूट गया है थोड़ा सा वो नेटवर्क की वजह से, जियो का नेटवर्क एकदम थोड़ा ऐसा थोड़ा डाउन चल रहा है, पता नहीं लेट से। वैसे तो यार है कितना गया क्या मानो, बहुत पीछे रह जाता है ये, बहुत पीछे रह जाता है नेटवर्क। अपन सीधे सीधे चल रहे यार, लेट्स गो बेबी गर्ल, हाँ तो चल रहा है दादा। इश्क तेरा चढ़ पावे, इश्क तेरा टक 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 टी डी 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 टिक 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 टी डी डी टिक 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 टी डी 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 टिक 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 टी डी डी। बस यहाँ से कुछ 70 किलोमीटर है भाई। ये ब्रिज देख के कुछ याद आ रहा है, ये और वो वाला, ये और वो वाला ब्रिज तुक्का आ गया रहेगा यार, आई गेस है ना भाई। ये वो ब्रिज है जहाँ से हम लोग लास्ट टाइम नीचे उतरे थे, समझ रहे हो। तो मतलब हम यहाँ से अगर गए तो मोरेश्वर ये है, यहाँ इस साइड राइट साइड में हमारे मोरेश्वर है। ओके, मोरगाँव का मोरेश्वर राइट साइड है। ओके फाइन, लाइक जादू दाखू का जादू लस्सी, लाइक जादू दाखू का जादू। हाँ तू चॉकलेटी अंडरवेयर घातते ना, खरं सांग चॉकलेटी अंडरवेअर घातते ना तू मरून कलरची। भाई माझ्याकडे स्कॅनर आहे, मरून मरून बघू वरकर शर्ट आहे। शिट यार, स्कॅनरनी वेगळं दाखवलं काय तर। कशाची शर्ट था मेरे को लगा आज चढ़ी थी। सी ब्रो, डैम ब्रो, अचानक से हम डेजर्ट सफारी करने आ गए हैं और ये हम डेजर्ट सफारी करते हुए डायरेक्ट दुबई के पेट्रोल पंप पे आ गए हैं। इधर पावर पेट्रोल हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे जाना पड़ेगा। पावर पेट्रोल है का, पावर पेट्रोल कितनी किलोमीटर था, चले खड़कीला भेटेल 10 किलोमीटर, खड़कीला भेटेल 10 किलोमीटर, अरे खड़कीला भेटेल 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 का 10। दादा सिद्धटेक इथून आतमध्ये बर, हा बर, इकडे खाली वरती नका जाऊ, ठीक है धन्यवाद। देखो मैं क्या उसको पूछा कि दादा रांदन बोल रहा हूँ सिद्धटेक जाने का है, तो बोला इधर से जाके रावण गांव से जाके लेफ्ट लो, मैंने लिया वो पेड़ के उधर से लेफ्ट। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा जाने का है, मैं बोला है ऐसा कैसे जाने का है भाई, चल मेरे को देखने का है। कोई तो भी रोल रावज रोड है रे, पन लीन नहीं मार सकते, डामरी रोड नहीं है। अपनी कंडीशन जीरो है। ए भाई पूरा ये रे घाट बंगला रोड है, वो उनको ही मानो। अच्छा अभी अपने को जिधर लेके जाएगा रास्ता उधर जाएंगे, बाकत साथ डामरी लगा आजा। राती ता ता ना
सोनाली खेल खेले ते माती ते अरे रेंज गई भाई, बहुत गंदा है ये टर्न। आराम से आ, सामने से गाड़ी आ रही है बहुत। क्या लीन लिया है मैंने, तू देखेगा तो तेरी चड्डी फट जाएगी। देखा क्या तूने? नहीं देखा ना? भीख मंगे भाई, तो जो चाचा रोड बता रहे थे ना, ऐसा ऐसा शायद ये हम लोग को ट्रेन के पुल के नीचे से जाने का है, इसलिए वो काका ने ऐसा बोला कि ऐसा नीचे से जाने का करके शायद। हाँ तुझे मालूम नहीं है शायद, बट हाँ वो गाड़ी आई है ना उधर से जाने का। ओ भाई ये क्या रोड है, एडवेंचर प्रो मैक्स, क्या रोड है भाई ये। ओम्फो डेजर्ट सफारी, ओहो रुप्पा विल्ला ना बेबी, बताया जाते समय भी होगा ये रोड। मैं इसके पीछे जाऊंगा, अगर को कुछ इशारे कर रहा है इंडिकेटर बंद करने को बोलो उस डल्ले को। इशारे तेरी कर दी निगाह, सच्चा प्यार मैंने तेरे से होया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को पापा का मंदिर दिख रहा है, वो देख उधर दिख रहा है क्या तेरे को? शायद 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 आ जा। देख सकता है भाई, अभी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं दोस्तों, 4-5 किलोमीटर बाकी रहेगा अभी, देखते क्या सीन है और क्या नहीं। भी कूल्हे को थोड़ा आराम चाहिए, आई होप कि मंदिर के अंदर बैठने को मिले, मिलेगा तो अच्छा ही है, बेटर है। तेरे को पता क्या है, सबसे दूर का बापा यही है सिद्धटेक। हाँ हाँ पानी असेल ना इकड़े, शायद हो सकता है, हो सकता है। नारियल के झाड़ तो है भाई, ये गांव राजा भाई लगाए रहेंगे ना लोगों ने। फिर किधर है, अभी कितना किलोमीटर है? 7 काय रे, 7 किलोमीटर अभी भी है भाई। अभी अभी मैं तेरे को बोल रहा हूँ, अभी मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मेरे को भूख लगना चालू हो गई है क्या? 10 दर्शन करेंगे पापा का मस्त, बैठेंगे थोड़ा देर उधर, फिर खाना खाने जाएंगे किधर, तो अभी इधर होटल देखेंगे मस्त। अरे महाराज जी का पुत्र कैसा रहा उसे? हाँ हाँ ना, ऐसे देख रहे जैसे कि चोर आ गए गांव में। क्या स्पीड ब्रेक करें? कहाँ है ना पटेल चतुर्थी, 400 मीटर पूरे। उधर क्या है तो वड़ा पाव मिसल, मेरे खाने वाला मिसल, सुबह खाई मिसल। होटल तुलजा भवानी भी है की। लोग फाइनली मंदिर में आ गए, ये मंदिर है और अभी ऊपर जा रहे। मेरे हाथ में इतने सामान पकड़ा के कॉल पे बात करते करते आ रहा है, मस्त इरिटेट हो रहा है मेरे को। इसको बताओ अच्छी लाइक की ना, ए बाबा चल ना ठेव ना फोन भाई, इरिटेट हो रहा है मेरे को जेन्युइनली। बालों का तो खत्म ही हो गया, पूरा जिंदगी बर्बाद है। ठीक है देखते हैं, अभी छावा आई है थोड़ी सी। ओह
गैंग ये रहा। अच्छा यहाँ से नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ से एंट्री है, यहाँ से राइट मार के सीधा मंदिर। क्या बेटा क्या सुंदर है दोस्तों, ये है मंदिर की एंट्री, यानी सुंदर है एंट्री, खूब सुंदर है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतनी गर्दी, बट सुंदर तो है, ज़बरदस्त। मस्त अभी दर्शन हुआ है तो अभी निकलने के रास्ते पे, और बहुत दूर जाना है एक्चुअली। मेरी पीठ दर्द करने लगी जी, मतलब जिस हाथ से रेस करते ना, वो बैक साइड ना थोड़ा सा पेन कर रहा है, बट ठीक है, बेरेबल है। अभी यहाँ से हम जाएंगे महड़, पहले कुछ खाएंगे उसके बाद महड़ जाएंगे, फिर पाली, पाली नंतर कुटे रहे, जैसे जैसे पापा बुलाएंगे वैसे वैसे जाएंगे। तो दोस्तों अभी ये रेडी हुआ है, मैं रेडी हुआ, सब कुछ रेडी है प्रॉपर, और ज़बरदस्त नदी देखो, ये सिद्धटेक की नदी है, इधर मछुआरे विछुआरे चल रहे काम, मेरे को लगता नहीं इतनी डीप रहेगी है। ठीक है, बारिश में आता रहेगा पानी, भारी है वातावरण, मस्त है। अभी यहाँ से निकलने की गोली लेते हैं, पहुँचना है अपने को पुणे, पुणे में हम लोग मिलेंगे अजय भाई से, पुणे में हम लोग मिलेंगे और किससे मिलेंगे रे, पुणे में कॉल करना, पुणे में और मिलेंगे हम अजय भाई से और प्रथमेश भाई से, क्योंकि हमको लेना है नी पैड, सॉरी नी गार्ड। तो चलो दोस्तों पुणे के लिए निकल चुके हैं हम, धन नका, अरे हाँ लस्सी थोड़ा स्लो है ना, है चिल हाई कितना है, काय वाह, माणसं बघायची नसतात, माणसं राखायची असतात। थँक्यू, माझा हातातला कडा पडला मला असं वाटतंय, पक्का, हा हाय, चल हाय, तू ये ना लवकर, कुठे आहे तू, अरे ये ना भाई, अभी मैं तुम्हें इनलाइन 4 का इंजिन सुनाने जा रहा हूँ, मतलब साउंड सुनाने जा रहा हूँ, वो देखो एक गई, अभी मेरी सुनो, ए जायची तर ट्रक वाला बघितला का, कैसा लगा, 1290 को भी नहीं रहेगा क्रूज कंट्रोल, हाईवे लग, और अभी अपने को मस्त होटल ढूंढने का है। रास्ता देखो ना क्या जबरदस्त है, इतना प्यारा रास्ता है ना, फुल स्ट्रेट बाय स्ट्रेट जाने का है पुणे के लिए, एकदम स्ट्रेट। और इधर जेजुरी भी है, एक दिन मैं जेजुरी आया था, पड़ जाने तो अभी क्या है पता नहीं सकते कब आया था, जब मैं पुणे में रहने को था ना तब मैं जेजुरी आया था। ठीक है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, समझ रहा है क्या लस्सी, यस। चलो दोस्तों तो अभी खाना हो गया और अभी हम लोग निकल पड़े हैं पुणे की तरफ।
पीने पुणे में रुकेंगे, फिर घर के ओर जाना ही है वैसे तो। पुणे में एक चीज़ ले रहा हूँ मैं, तुमको पता था क्या है? ह्याचे तर लय उद्योग आहे रे, नुसता चावी लाव, ग्लव्स काढ, हे ते फलाना ढिमकाना, इसको देखो ना कितना क्या क्या करना पड़ता है। मेरा नहीं भाई, अपना एकदम नॉर्मल है। कितने टाइम में 68 किलोमीटर पार करने का पता? भाई मैं तेरे को झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सुन सुन मेरी बात सुन, सुनना ओ दल्ले सुन सुन, जब 7 बजेंगे ना 7, तब पुणे की ट्रैफिक जब देखेगा ना तू, तू खुद बोलेगा अरे यार साले ब्रो ये क्या हो गया। दोस्तों अजय भाई हमको मिलने आए थे, ये रहे अजय भाई उनकी इंटरसेप्टर। अरे अभी इधर से इतना सी यूटर्न गया ना, इतना सी यूटर्न गया ना, सर का चलो। ये देखो बाबा वाह, गाड़ी का नंबर होगा 777, क्या बात है चिचिया। कौन सा क्या ब्रुक, तू कुठे कुठला एग्जॉस्ट 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 रेड रोस्टर, रेड रोस्टर, रेड रोस्टर रोस्टर वाजवा ना, काय नाही काय विषय नाही, हा दचका तर लागतं। आवाज ठा 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 मी डायरेक्ट विंडो खाली गेलेली 2 मिनिटं आटी फटका येत होता तोंडा ठप ठप ठुक ठुक। हे जे वेदर आहे ना आत्ता, मी दरवेळी जेव्हा बाहेर पडतो ना रायडिंगला, हे वेदर मला लागतंच रे, काय वाटतंय पण तिकडं सूर्य बिर्य एकदम रुप्पा बिल्ल्या ना भाय चिच्या, क्या बात आहे पब्लिक। आपण जब भी राईड केले बाहेर आते ना, ये वाला तो मौसम अपने को मिलता ही है ना, मोटो ब्लॉग में मोस्ट ऑफ द मोटो ब्लॉग में यही चल रहे। अजय भाई ने हेलमेट नहीं पहना है दोस्तों, जब भी ये चैट में आया ना वापस बोलना अजय भाई हेलमेट किधर था, हेलमेट नहीं है क्या? इधर बहुत तगड़ा हुआ है, देखिए त्राण है ना त्राण जी बॉडी में, जीरो है जीरो, खाया पिया पेट बीट फुल है, लेकिन अभी एनर्जी डाउन होते जा रही है, शोल्डर पेन होते जा रहा है और बॉडी साथ छूट रही है, नींद और आ रही है, पता नहीं पहुंच जाएंगे चलो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। इट्स सो मच इरिटेटिंग बट फाइन वट एवर इट इज, हम आए हैं वापस पहुंचना है, पहले तो बाहर पहुंचना है, लेट्स सी चलो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सामने डोंगर के उस साइड पे उजाला आया क्या, मतलब 7-8 बज के गए, 7 बज के गए आई गेस, तो फिर भी थोड़ा सा उजाला है और ये रोड ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा, और ये ऐसे बीच में ये विदाउट टेल लाइट विदाउट हेडलाइट के जो बंदे हैं ना
वो तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है भाई, टेल लाइट ही नहीं भाई, गाड़ियों को टेल लाइट क्यों नहीं है भाई, कैसे समझेगा सामने गाड़ी है। मैं भी अपर लगा के चल रहा हूँ बाढ़ में। फिलहाल हम लोग आए हैं लोनावड़ा में, ठीक है, तो लोनावड़ा से नीचे उतरते ही महड़ है, तो हम थोड़ा महड़ की तरफ बढ़ रहे थे समझो। देखो पापा ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा दोस्त, ठीक है, और ऐसा कोई ओकेजन नहीं होता या फिर कोई डेट या फिर कोई डे ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता जब पापा का दर्शन होता है, जब पापा चाहे तभी ही उसका दर्शन होता है, एंड दैट्स अ फैक्ट। तुम कितना भी उसको कुछ भी बोलो, दैट्स अ फैक्ट कि जब पापा बुलाते हैं तभी ही दर्शन होता है। तो यस, अभी हमको पापा ने बुलाया तो हम जा रहे हैं बेबी कल। मेरे को तीन तीन दिख रहा है भाई गोप्रो, और ये कांच की वजह से। चलो लेट्स गो, पहुँचते हैं लोनावड़ा, उतरेंगे एज ऑलवेज जैसे हम उतरते हैं न्यूट्रल पे। तो एज यू कैन सी गाइस, पता नहीं आप देख पा रहे या नहीं, मैंने न्यूट्रल पे डाल दी गाड़ी, अभी आराम से जाने दो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, हल्लू हल्लू जाने दो, प्यार से जाने दो। पेट्रोल का टंकी फुल है, मैंने चलाया इतना है ना गाड़ी आज, सोचो 10 लीटर पेट्रोल हम लोग ने ख़त्म करा, ठीक है, 10 लीटर पेट्रोल मतलब कितना मालूम है क्या, 350 किलोमीटर्स, 300 पकड़ लो, चलो 350 मत पकड़ लो, 300 किलोमीटर तो हम लोग ने पार किया था, ठीक है, और अभी तो यूज़ नहीं हुआ इतना, ठीक है, लगभग थोड़ा बहुत यूज़ कर ही लिया है हमने वैसे, और अब हम न्यूट्रल पे जा रहे हैं, 10-12 किलोमीटर हम लोग न्यूट्रल पे फ्री में उतरने वाले, समझ रहे हो, उसका दिक्कत नहीं, पेट्रोल नहीं खर्चा होने वाला ज़्यादा। उफ, कूलो है ना, कूले गाइस, कूलो में दर्द होने लगा है अभी बहुत ज़्यादा, बैठ के गाड़ी पे, और खाली बैठ के नहीं है क्या, कोई कॉल कर रहा है यार, रॉन्ग टाइम। अभी हमने एक आगे CRPF के ऑफिसर थे, उनको नीचे छोड़ा खोपोली का, लोनावड़ा में ऊपर थे वो, उनको छोड़ा है, अभी जा रहे हैं हम। अभी मुझे ये नहीं पता कि महड़ जाने का रास्ता एग्जैक्ट किधर है, लस्सी को पकड़ना पड़ेगा उसके लिए, और लस्सी आएगी तो बहुत आगे गए, मैं हल्लू हल्लू चला रहा था, लस्सी लमसम निकल गया है, रुका उसको धरता हूँ पहले जाके, नहीं तो वो भाग जाएगा, मेरे को अकेले महड़ जाना पड़ेगा, उसको भी लेके जाऊँगा। तो दोस्तों अभी सीन ऐसा है कि लसपटा एग्जॉस्ट हो गया है पूरा, ठीक है, तो वो आई गेस घर जा रहे हैं, और मेरा घर जाने का कोई सीन नहीं है, मेरे को पहले महड़ जाना ही है, तो वहाँ तो मैं जाके रहूँगा कुछ भी हो जाए, और यहीं से कहीं लेफ्ट मारना है, एक छोटा सा एंट्री है, और मुझे पता है, मैं पहले भी गया हूँ महड़, बहुत टाइम पहले गया हूँ, आई गेस 4 साल पहले गया हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ, ये 3rd या 4th बार जा रहा हूँ मैं महड़, तो बस लेफ्ट साइड में एक छोटा सा गेट है, जो गेट हमको महड़ लेके जाता है, तो वो बस याद आवे तो बेटर है, क्योंकि वो नहीं याद आएगा तो फिर समझेगा ही नहीं, आएगी सी ये क्या, नहीं ये तो कुछ अलग है, ये यूके रिसोर्ट कुछ रिसोर्ट है, नहीं चलो आगे बढ़ते, लस्सी आ रहा है वैसे पीछे से, लेकिन वो चला जाने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं आवे, आए तो ठीक से आए, नहीं तो ना आए। यही है, यही है गाइस, यही है गणपति संस्थान महड़। चलो दोस्तों, दो बंदे मिले थे, चिराग पाटिल नाम था उसका, और एक का नाम क्या था, तुषार पाटिल, चिराग पाटिल, दोनों भाई थे, तुषार
भूल गया। तो अभी लसपटे चला गया और मैं जा रहा हूँ महड़, क्योंकि मुझे जाना है, बस मुझे जाना है तो जाना। तो मैं निकल गया हूँ महड़ के लिए अभी, मतलब निकल मतलब पहुँच ही गया हूँ लगभग। मुझे पता है महड़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे थोड़ी देर, और वहाँ पे पहुँच के मैं आपसे बात करता हूँ फ़ोन से, क्योंकि रात को आई डोंट थिंक GoPro इतना साथ देगा। बहुत दिनों बाद आए हो, वैसे देखा जाए तो महड़ बहुत दिनों बाद आए हो, तो यस रात्रि रात का इतना GoPro नहीं साथ देता दोस्तों, मुझे माफ़ करना उस चीज़ के लिए। बट चलो पहुँच गए महड़ पहुँच गए, ये देखो ऊपर, आई होप कि तुमको दिखता रहा है और रहेगा, ये शिट नहीं दिखेगा अभी। चलो गणपति पप्पा मोरिया, बहुत दिन हो गए यार, बहुत दिन हो गए, सोचा भी नहीं था, पता नहीं कितना कुछ चेंज हो गया। मंदिर के उधर तक गाड़ी जाती है नहीं वो भी नहीं पता अभी, पर जाती तो होगी। सब कुछ चेंज हो गया, मार्केट तो पूरा, मतलब नहीं चेंज नहीं हुआ इतना, बट है वैसा ही है मार्केट, वैसा ही है अभी तक। सही है, गाड़ी लगा देते इधर दोस्तों। गर्दी बहुत है, लेकिन गर्दी बहुत ज़्यादा है, ठीक है एडजस्टेबल है, यहाँ शूट कर सकता हूँ मैं। गाभारे में बहुत मुश्किल हो जाती है दोस्तों वहाँ पे शूट करना, यहाँ पे शूट कर रहा हूँ जितना हो सके उतना। अभी भी बालों की हालत बद से बदतर है, लेकिन जा रहे हैं अंदर, बालों को इग्नोर करो चाहे, वो बलक लवा की वजह से वैसे ही हो जाता है। शूट नहीं कर पाया मैं क्योंकि अंदर पूरा अंदर गया था गाभारे में शूट नहीं कर पाते, बट दर्शन बहुत अच्छा हुआ। मेरा हार पप्पा के पैरों तक गया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गणपति पप्पा मोरिया, इतना ही था आज के ब्लॉग के लिए, और मुझे नहीं लगता कि इसके आगे मैं कुछ बना पाऊंगा, बिकॉज GoPro से कोई शूट तो होगा नहीं। तो मैं पापा के मंदिर के यहीं पे ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। दैट वाज इट फॉर द ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एंड गणपति पप्पा मोरिया, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, आपका तो सुबह वो ब्लॉग आएगा, तो या बाय बाय, टेक केयर, लव यू, पीस आउट।